नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। घटना सोमवार दोपहर फरक्का के दुर्गापुर गांव की है। घायलों की पहचान शरीफ शेख और मुख्तरुल शेख के रूप में हुई है। मुख्तरुल की पत्नी ने कहा कि वे कल से अपने पति और देवर के साथ जमीन साझा करने की बात कर रहे थे। आज दोपहर जब उन्होंने देवर और उसके पति को गाली देना शुरू किया तो मुख्तरुल ने घर से बाहर निकलते समय कथित तौर पर उसके सिर पर बांस की छड़ी से प्रहार किया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मुख्तरुल ने अपने भाई शरीफ शेख पर धारदार हथियार से वार किया। उधर मुख्तरुल के सिर पर उसके भाई शरीफ ने बांस से वार किया तो वह लहूलुहान अवस्था में गिर पड़ा। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन दोनों को पहले अर्जुनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर बेनियाग्राम ले गए। बेनियाग्राम के डॉक्टरों ने पहले शरीफ को जंगीपुर अनुमंडल अस्पताल के सुपुर्द किया। मुख्तरुल का बेनियाग्राम में इलाज चल रहा है। हालांकि फरक्का पुलिस ने अब तक घटना के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। তারপরে আমার শাশুড়িকে বললো, শাশুড়ি বলেছিল কি দিব ভাগ করে, আমার দেওয়ার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, ও এখন বলছে আর আসবো না। ভাই ভাই রাত্রে বলা বলি করলো, দুজনেই দুজনেই বলা বলি করেছে। কোন জায়গা মানে বাড়িতে এটা বলা বলি করলো, বাড়িটা ভাগ করবে, এখন ঘর দুয়ার করতে চাইছি। তারপর কি হলো স্বামীর মাথায় মানে মেরে দিয়েছিল বাঁশের বাড়ি, এরকম মোটা বাঁশ ছিল দিয়ে, তারপর ওটাই দিয়ে তোর তো মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আমার দেওয়ারের সঙ্গে হয়েছে, দুই ভাই ভাই মারবি? হ্যাঁ দু ভাই, এটা মানে বাড়ি লিয়ে লিয়ে জানালা। এখন কি কোথায় নিয়েছে? এখন তো হসপিটালে নিয়ে না। কি নাম আপনার স্বামী? মুক্তারুল শেখ। কোথায় ফেটেছে আপনার স্বামী, মানে আঘাত লেগেছে কোথায়? মাথাতে মানে বাঁশের বাড়ি মেরে দিয়েছে, মোটা বাঁশ ছিল। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।